सुना है कि किस तरह से डीले बनने हैं और उसके बीमा क्या होगी, कितने दिनों की जरूरत है, तो उनका कहना था की इस विषय पर अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी जब तक की रिपोर्ट ना आ जाए। तो यानी आने वाले वक्त में एक राजनीतिक नजरिए से ये फैसला बड़ा फैसला हो सकता है जिसका संदेश संकेत मिल रहा है। देखिए अभी तक जो संकेत मिल रहा है उसमें यही लगता है क्योंकि ये चार जिलों का मामला पहले भी ये राजनीतिक रहा है और वोट बैंक के लिहाज से इसको ये जो जिलों के मामले को उठाया गया था और एक बार फिर से ये वोट बैंक की राजनीति हो जाएगा। चलिए परवीन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े थे, इस वक्त बिशन सिंह चौपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो खुद डीडी घाट को जिला बनाने की मांग को लेकर मुखर रहे हैं। चौपाल जी बहुत बहुत स्वागत है जनटीवी में आपका। चौपाल जी मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? जी चौपाल जी, चार नए जिलों को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर रहा लेकिन बजट सत्र के छठे दिन जिस तर्ज पर इस मुद्दे को उठाया गया कुछ उम्मीद दिखती है विपक्ष को? कल महामहिम का जो अभिभाषण था जी, उस अभिभाषण पर चर्चा हुई थी, उसमें हमको भी बोलने का अवसर मिला जी। तो उसमें देखा गया कि जो चार जनपद है उस चार जनपदों के लिए अलग से बजट का प्रावधान नहीं किया गया जी। और आज प्रश्न भी लगा था चार जनपदों को लेकर राजनीति की ओर से, तो सरकार की ओर से उत्तर आता है कि आयोग का गठन करता है, आयोग की रिपोर्ट आने पर ही हम जनपद बनाएंगे जी। लेकिन चार साल अभी आयोग बना हुआ है, पता नहीं कौन सा आयोग है, कौन रिपोर्ट आएगी, क्या आएगी, तो सरकार की मंशा जनपद बनाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करनी है। नहीं आयोग पर सवाल उठाना कितना ठीक है चौपाल जी, एक अलग विषय हो जाएगा क्योंकि बीजेपी शासन काल में भी कई आयोग बने, उसकी रिपोर्ट कहाँ है वो भी आज तक जो है एक यहाँ पर जो है सवाल खड़ा करती है, कहीं ना कहीं जांच का विषय बन जाती है। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि जिस विषय को लेकर अब तक आप लोग सवाल उठाते हुए आए हैं, क्या अब आपको उम्मीद है कि राजनीतिक नजरिए से ही सरकार फैसला ले सकती है? इस बजट सत्र में जिस तर्क पे बातें हो रही हैं कि हमने आयोग गठित किया, अध्यक्ष की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पर हम फैसला लेंगे। लेकिन सरकार तो आयोग का मन का खड्डे बच्चे में डालना, लेकिन बजट तो आजकल सरकार ने कई दिन जिक्र भी किया ना अभिभाषण में बजट में है जी। तो जिला बना कैसे क्या की सरकार को तो पता नहीं अब अगर प्रावधान देखे किया हमको बदलना की क्या करेगी बजट के माध्यम को सोचते हुए महामारी अस्पताल के अभिभाषण को देखते हुए चार जनपदों का जो मकान दूर दूर तक नाम दिया है। अच्छा तो एक बात चलिए मैं जल्दी से आपसे पूछ लेता हूँ, इन दिनों कुछ बदली सी रणनीति दिखाई दे रही है सदन के भीतर विपक्ष की, क्या ये पहले ही आप लोगों ने तय कर लिया था कि इस बार जो है हमने किसी भी हाल में सरकार को बिजनेस पूरा होने से पहले जो है सवालों से घेरना है, क्या ये पहले से ही तैयार हो गया ऐसी बातें रणनीति जो दिखाई दे रही है? प्रश्न काल तो विपक्षी का हुआ, विपक्षी विधायकों का हुआ जी, तो फिर शून्य काल के अंतर्गत हम अपने क्षेत्र की समस्या रह सकते हैं जी। और पूरे कल्पना देश की जनता देख रही है और जो विधान सुनकर आए अभी जो तो क्षेत्र की जनता भी देख रही है, इसलिए हमको अपने सदन चलने से अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का मौका मिलता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बिशन सिंह चौपाल हमारे साथ जुड़े हुए थे। दरअसल जिस विषय को लेकर यहाँ पर बात हो रही है ये वो रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं, मसला सीधे तौर पर बजट सत्र के दौरान छठा दिन किस तरह से घमासान, किन मुद्दों को लेकर घमासान हुआ, आइए जरा वो भी देखते हैं। सूबे में रानीखेत, कोटद्वार, डीडी हाट और पुरोला नाम से चार नए जिले बनाने की घोषणा अब तक धरातल पर नहीं उतरी है, लेकिन बुध को जब ये मुद्दा सदन के प्रश्नकाल में गूंजा तो याद एक बार फिर से ताजा हो गई। विपक्ष का कहना है कि राज्य में उनकी सरकार रहते चार नए जिलों की घोषणा की गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार चार साल बाद भी इनके गठन के मामले में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार नए जिले बनाना ही नहीं चाहती है। सरकार का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सरकार को हमने पूछा कि पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा आपने क्या, उस घोषणा को आपने विलोपित कर दिया है, और यदि नहीं किया तो आपने नया आयोग बनाया, तो आयोग क्या सरकार के निर्णयों से उत्तर काम करेगा जो आपने कमेटी बनाई है? तो जो मुख्यमंत्री की घोषणा, मुख्यमंत्री की घोषणा या तो आप उसको समाप्त करने का प्रयोजन करिए, आप वो कर ले रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं इस परिस्थिति के साथ मजाक कर रहे हैं। चार जिलों की
असम जी ने 2011 में शासनादेश निकाले और आज तक चार वर्ष हो चुके हैं, चार वर्ष से अधिक हो चुके हैं, वो धरातल पर नहीं उतरे हैं। इस सरकार ने बार बार बोले हम जेलों का पुनर्गठन करेंगे और निश्चित रूप जिस प्रकार का जवाब आदरणीय यशपाल आर्जी ने सदन में दिया, हमने उनसे पूछा कि भाई क्या शासनादेश हुए, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वहीं सरकार के वरिष्ठ मंत्री यशपाल आर्य ने जवाब में कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को बेवजह तूल देकर सिर्फ सियासत कर रहा है। पिछली बीजेपी सरकार ने नए जिलों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की थी, लेकिन मौजूदा कांग्रेस सरकार ने इस विषय में राजस्व परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया है, जिसकी रिपोर्ट के बाद नए जिलों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। चुनावी घोषणा थी जिला बनाने के लिए हमने एक समिति का गठन भी किया है, जो चार जिलों का जिक्र आया है आज, उसमें उन्होंने अध्ययन किया है और काफी हद तक उन्होंने जो नॉर्म्स होते हैं जिले बनाने के मानक है, अशिले कितनी होगी, ब्लॉक कितने होंगे, जनसंख्या कितनी होगी, भौतिक प्रभावी परिस्थितियां क्या होंगी, कितने कस्बे होंगे, पूरा एक उसका एक उन्होंने ब्यौरा निश्चित रूप से चाहिए जो उसके सक्षम जिले का निर्माण कर सकें, तो उसका गठन कर सकें। उसकी अभी उसकी एक बैठक और होनी है, तो निश्चित रूप से प्रक्रिया गतिमान है। विधानसभा में जब चार नए जिलों का मुद्दा एक बार फिर से सदन में उठा तो ये मुद्दा फिर से ताजा हो गया। चार जिलों के गठन को लेकर ना तो सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष गंभीर दिखता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चार जिलों का प्रश्न प्रश्नकाल तक ही सीमित हो जाता है या फिर जमीन पर भी उतरता है। कैमरामैन वीरेंद्र पवार के साथ पंकज ज्वाणा और प्रवीण कुमार, चैंटी, देहरादून। तो इस वक्त बीजेपी की ओर से हरबंस कपूर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी के वरिष्ठ चेहरे। कपूर जी बहुत बहुत स्वागत है ज्वाइन टीवी में आपका। कैसे सर आप? सर सदन के भीतर हम देख रहे हैं सर, बजट सत्र में विपक्ष की रणनीति कुछ बदली बदली सी है। अच्छी बात है, सदन चल रहा है, ये सत्ता पक्ष के लिए भी अच्छा है, विपक्ष के लिए भी अच्छा है और खासतौर पर जनता के लिए तो बहुत अच्छा है। एक बात जानना चाह रहे थे, तमाम मुद्दों को लेकर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, हमने देखा कि जिलों को लेकर भी सदन के भीतर मुद्दा उठा, कुछ उम्मीद दिख रही है आपको? जल्दी हो जाना चाहिए था जी, मुझे तो काफी कांग्रेस से बार बार ये आरोप लगा दी है कि बिना किसी आधार की घोषणा कर दी गई, बिना किसी आधार की बिना किसी तैयारी की घोषणा कर दी गई। उन्होंने आयोग को बताया है, आयोग के आधार पर जो भी निर्णय होगा करेंगे। तो फिर इसके क्या हम मतलब निकाले, मायने निकाले? मैं जनता के नजरिए से एक सवाल पूछता हूँ कि जिस वक्त बीजेपी ने इस बात का ऐलान किया तब उस वक्त चुनाव नजदीक थे, अब कांग्रेस अगर इस बात का ऐलान करती है तो भी चुनाव नजदीक होंगे, भविष्य को लेकर यहाँ पर चीजों को समझे और देखे तो फिर सब चीजें ठप की ठप रह जाएंगी। ये तो सिर्फ चुनावी घोषणाएं और वादे होंगे और बीजेपी भी अगर दबाव बना रही तो राजनीतिक नजरिए से बना रही है, इसका मतलब मानना था जी अगर माननीय जी तो इस सरकार को उसे अमीर दामा पहनाना चाहिए था, पहनाना चाहिए था, ये बात आप भी मानते ना? नहीं पहनाया उन्होंने, नहीं पहनाया जी, और नहीं पहनाया तो इसे विलंब करने का कोई इनका कोई औचित्य नहीं था। नहीं नहीं औचित्य तो आप नहीं, आप इस बात को मानते हैं कि विलंब पूरा करने जा रही है जी, और भी चाहेगी कि मुझे इसका कुछ राजनीतिक लाभ मिल जाए तो मैं समझ के राजनीतिक लाभ मिलने वाले नहीं है। नहीं विलंब तो आपके शासनकाल में भी हुआ, आप इस बात को खुद कबूल कर रहे हैं तो ये भी तो राजनीतिक शासनकाल में विलंब नहीं हुआ। नहीं 2011 में ऐलान हुआ, जहाँ तक घोषणा की थी जी माननीय मिशन जी ने घोषणा की थी जी, उसे सरकार सरकार से निरंतरता है ना, सरकार ऐसे नहीं है
जी पार्टी की सरकार चली गई जी उसके बाद तो खंडूरी जी नहीं कपूर साहब उस वक्त के बाद तो खंडूरी जी खुद मुख्यमंत्री रहे उस वक्त कपूर साहब उस वक्त तो उसके बाद तो फिर खंडूरी जी खुद मुख्यमंत्री बने तब भी ये मामला तो ठंडे बस्ते में चला गया ना फिर होमवर्क करने के बाद ही तो ऐलान किया होगा ना निशंक जी ने होमवर्क करने के बाद ही ऐलान किया होगा ना जी निश्चित चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरबंस कपूर हमारे साथ जुड़े हुए थे। आइए जरा बीजेपी के दूसरे नेता इस विषय को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं जल्दी से उस पर भी नजर डाल देते हैं बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे हैं और फिर उसके बाद इंदिरा अध्यक्ष का क्या कुछ कह रहे हैं जो छठे दिन सत्र का दिन गया। पहले तरह बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे हैं जिलों को लेकर वो सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से जिले बनाने के पक्ष में थी हमने उस टाइम घोषणाएं भी की थी ये सभी उन घोषणाओं पर मैं बात कर रहे हैं जिनको ये इन्होंने तीन चार साल डिले करके दिखाना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की घोषणा ही पहले से थी कि हम चार जिले इस प्रदेश के अंदर और बनाने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इससे पहले ही चार जिले घोषित कर चुकी थी। देखिए जो जिलों की जो बात है ये जिले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निशंक जी के मुख्यमंत्री काल में हमने इन जिलों की घोषणा पहले ही करी है ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने जब आने के बाद इन जिलों को रोक दिया था हमारी सरकार में जब मुख्यमंत्री निशंक जी थे तो हमने इन जिलों को पहले ही घोषणा कर रही है। वही संसदीय कार्य मंत्री इंदिरा अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है विपक्ष की बदली बदली रणनीति को लेकर सुनिए। पक्ष पहले सदन चलने नहीं देते थे इस बार उन्होंने तय कर लिया कि हम सदन चलाएंगे हम उनका उनके लिए अच्छा है क्योंकि सारा सदन विपक्ष के ही हिस्से का होता है अगर प्रश्नकाल होगा तो उनका है कार्य स्थगन होगा तो उनका है जो नियम आएंगे वो उनके हैं अगर बजट या राज्यपालिक भाषण पर चर्चा करेंगे तो अपने बिंदुओं को कह सकते हैं तो उनकी ये समझ में आ गया कि सदन न चलाने से हमारा कोई फायदा नहीं सरकार का फायदा है तो सरकार पर दबाव नहीं होता है सदन चलाने से सरकार की तैयारी करके आना होता है उचित जवाब देना होता है तो इस बार जो जिसने भी उन्हें राय दी कि ये बात समझ में आ गई जो पहले ही कर देना चाहिए था। तो वही दूसरी तरफ और भी कई ऐसे मुद्दे रहे जो सदन के भीतर सुनाई दिए अब इस रिपोर्ट के साथ छोड़ के जा रहे कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसे मुद्दों के साथ मुझे दीजिए।